हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम? व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पे क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपके दोस्त ने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने आज और कल दोनों दिन एक ही तरह के खाने खाए? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? हम हर समय पर अलग अलग के खाने खाते हैं। फूड वेराइटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने दोस्तों से पूछिए कि उन्होंने क्या, वो एक दिन में किस तरह के खाने खाते हैं। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आप अपने दोस्त जो अलग राज्यों में रहते हैं उनसे पता कर सकें कि वो एक दिन में किस तरह के खाने खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक इन गिवन टेबल 1.1। तो आप अपने नोटबुक में उसे नोट करें कि अपने दोस्तों के नाम और उन्होंने किस तरह के फूड एक दिन में लिए, उसका एक लिस्ट बनाएं आप अपने कॉपी में। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी हमें दिखती है। कभी चावल खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। घर पे जो चावल बनाया जाता है उसमें हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। केवल दो चीज़ें चाहिए होती हैं चावल बनाने के लिए, एक जो रॉ राइस है जो आपका चावल है और एक पानी, और उसे हम उबालते हैं तो चावल बन के तैयार हो जाती है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इन्ग्रीडियंट्स। और दूसरे हाथ में अगर हम देखें तो कुछ एक ऐसे फूड आइटम हैं जिनको बनाने के लिए काफ़ी तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल सॉल्ट स्पाइसेस एंड सो ऑन। अगर हमें वेजिटेबल करी बनाना है तो हमें अलग तरह के वेजिटेबल, नमक, मसाले, तेल और बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ दिज आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट वट इंग्रेडियंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज। आपने 1.1 में जो लिस्ट बनाया उसमें से जो इंग्रेडिएंट्स जो दोस्तों ने आपको बताए, जो फूड आइटम्स जो दोस्तों ने आपको बताए उसके इंग्रेडिएंट्स सबको पता करने हैं और यहाँ टेबल 1.2 बना के लिखना है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दे रखा है रोटी और चपाती। रोटी चपाती को बनाने में हमें आटा और पानी की जरूरत पड़ती है। दाल को बनाने में हमें पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन और डिफरेंट इन फूड आइटम्स? क्या हमें जो फूड आइटम की लिस्ट हमने बनाई उसमें कुछ आइटम हमें कॉमन दिखी? तो बिल्कुल कॉमन दिखेगी। डिस्कस इन क्लास, आप क्लास में डिस्कस करें। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आते हैं? फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। 1.2 टेबल में जो हमने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाई है उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज बताने काफ़ी आसान होंगे। फूड एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे फ्रूट्स, जैसे फल और सब्जियों, सब्जी कहाँ से आते हैं? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये पेड़ से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस एंड वीट? लेकिन जो चावल है, जो रॉ राइस था, और जो वीट है वो कहाँ से आता है? यू मे हैव सीन पेडी एंड वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। तो आपने चावल, आपने धान के और गेहूं के खेत को देखे होंगे जो हमें ये रॉ मटेरियल्स, ये रॉ राइस और रॉ वीट देते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे मीट, अंडे, ये सब जानवरों से आते हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। और ये कुछ लिस्ट है और उसमें से हमको पता करना है उनके इंग्रेडिएंट्स। द इंग्रेडिएंट्स आर देयर सोर्सेस। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल टू दिस लिस्ट। जैसे कि ये कुछ फूड आइटम है, जैसे इडली बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सब चीज़ें लगती हैं इडली बनाने के लिए, और आपको इनके सोर्स लिखने हैं और ये जो जो खाली स्थान है उन्हें भरना है। जैसे राइस का सोर्स है प्लांट, राइस हमें पेड़ से मिलता है, उड़द दाल भी हमें पेड़ से ही मिलता है, सॉल्ट हमें समुद्र से मिलता है और वाटर हमें धरती के अंदर से मिलता है। चिकन करी बनाने के लिए चिकन चाहिए होती है तो चिकन हमें एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस हमें पेड़ से मिलेंगी, स्पाइसेस के पेड़ से। ऑयल, घी हमें प्लांट से भी मिल सकती है और एनिमल से भी मिल सकती है। और वाटर हमें धरती के अंदर से मिलेगा। खीर बनाने के लिए हमें दूध की ज़रूरत होती है तो दूध हमें जानवरों से मिलेगा, और राइस हमें प्लांट से मिलेगा, और शुगर भी हमें शुगर केन से मिलेगा, प्लांट से ही मिलेगा।
वाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क मीट प्रोडक्ट एंड एग. काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जो प्लांट होते हैं वो हमें सीरियल्स देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, सब्जी देते हैं, फल देते हैं, और जो जानवर होते हैं वो हमें मीट देते हैं, मिल्क देते हैं. कुछ एक जानवर जो मिल्क देते हैं वो है बकरियाँ, गायें, ये हमें दूध देती हैं, और मुर्गे हमें मीट देते हैं. 1.3 प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. विच पार्ट ऑफ प्लांट? प्लांट हमारे लिए फूड का एक स्रोत है, खाने का एक स्रोत है. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम पत्ते वाले सब्जियों को खाते हैं. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, हम कुछ पेड़ के फलों को खाते हैं. समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टीम, इवन फ्लावर्स. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस? क्या आपने कभी पम्पकिन के फूलों को खाया है राइस में जो डूबे हुए होते हैं? पेस्ट एंड फ्राइड ट्राइट. सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स सीड. मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स यूज्ड एज अ वेजिटेबल. तो जैसे सरसों का पेड़ होता है तो सरसों, तो हमें सरसों के जो बीज होते हैं वो हमें तेल देते हैं और उनके पत्तों से हम साग बनाते हैं, तो उसे सब्जी की तरह इस्तेमाल में लिया जा सकता है. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज एज फूड? तो क्या आप बनाना के पेड़, केले के पेड़ में कुछ ऐसे पार्ट को सोच सकते हैं जिन जो हमें खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड. तो आप और भी ऐसे पेड़ों के बारे में सोचें जिनके दो या दो से अधिक पार्ट खाने के रूप में इस्तेमाल होते हैं. एक्टिविटी 4. फ्रॉम ऑल ऑफ द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट. तो आपने जो इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट बनाए थे उसमें से आपको उन इंग्रेडिएंट्स को सेलेक्ट करना है जो इंग्रेडिएंट्स प्लांट से आते हैं. आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4. तो इस तरह से जैसे ब्रिंजल करी में ब्रिंजल बैंगन, तो बैंगन फ्रूट है, चिली भी फ्रूट में आता है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट सीड से मिलता है. तो आपको इस तरह का एक टेबल अपने से तैयार करना है. डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल. सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस. तो आप हर प्लांट को चख के नहीं देखें, कुछ पौधे जहरीले भी हो सकते हैं. एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग एंड चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द विसल. रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड. आपको चना या मूंग के कुछ बीजों को लेना है, उसे एक पानी वाले बर्तन में रखना है और एक दिन तक छोड़ देना है, तो आप देखेंगे कि वो इस तरह से अंकुरित हो जाते हैं. रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, उसे एक वेट क्लॉथ से ढक के रख देना है. द फॉलोइंग डे यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन सीड. तो अगले दिन आप देखेंगे कि वो इस तरह से अंकुरित हो जाएगा. अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड. तो ये जो वाइट स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस तरह से वो बाहर आते हैं. एंड सो द सीड हैव स्प्राउटेड. तो स्प्राउटेड शब्द मतलब वही अंकुरित होना, स्प्राउटेड वो जो ये उजला उजला चीज है, यही स्प्राउट है. If not, wash the seeds in water. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उन्हें पानी में धो लें अच्छे से. एंड ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड. अगर वो अंकुरित नहीं हो रहे हैं तो उसे पानी से धो लें और उसे रख दें और अगले दिन देखें. कवर्ड विथ वेट क्लॉथ नेक्स्ट डे. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एंड एडेड सम स्पाइसेस टू गेट टेस्टी स्नैक टू ईट. तो आप उन्हें खा सकते हैं, अंकुरित चने या फिर मूंग को, या फिर आप उसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, कुछ मसाले डाल के उन्हें टेस्टी बना सकते हैं. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम. क्या आपको पता है कि जो शहद है वो कहाँ से आता है? फाइंड और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड. और कहाँ हैव यू सीन अ बी हीव
वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है जहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खियाँ बिन बिन करती हुई होती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फ्लावर के नेक्टर से स्वीट जूसेस जो मीठे रस होते हैं उनका पान करती हैं और कन्वर्ट देम इंटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव। तो वो उस प्लांट के नेक्टर से स्वीट जूस लेती हैं और उसे शहद में कन्वर्ट करके अपने जो ये बी हाइव है मधुमक्खी का छत्ता उसमें स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। क्यों ऐसा वो क्यों करती हैं? क्योंकि जो फूलों के जो नेक्टर होते हैं वो एक ही साल के एक ही समय पे उपलब्ध होते हैं। तो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो नेक्टर को स्टोर करती हैं अपने छत्ते में क्योंकि वो पूरे साल उसको यूज़ कर सकें। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हिव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज अ हनी। और जैसे कि हमें छत्ता कहीं मिलता है तो हम उनके स्टोर किए हुए हनी को चुरा लेते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल जो होते हैं जानवर वो क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास एक जानवर है जैसे गाय भैंस जिनका आप ध्यान रखते हैं? अ डॉग कैट बफेलो और अ गोट। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास हो सकती है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दैट एनिमल ईट। तब तो आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? तो दूसरे जानवरों के बारे में क्या वो क्या खाते होंगे? हैव यू एवर ऑब्जर्व अ स्क्विरल? क्या आपने एक लुक्खी को देखा है? पिजियन लीजार्ड एंड स्मॉल इंसेक्ट्स मे बी ईटिंग एज देयर फूड्स। जो स्क्विरल है वो छोटे कीड़ों को खाती होगी। एक्टिविटी 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ देम द टाइप ऑफ द फूड दे ईट। एक्टिविटी 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। सम ऑफ देम एंड टाइप ऑफ द फूड दे ईट। प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1 एंड दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो कुछ एनिमल के नाम आपको लिखने हैं और उनमें पता करना है कि कौन हर्बीवोर है, कौन कार्निवोर है, कौन ओमनीवोर है। दीज आर द एनिमल्स विच ईट द एनिमल दीज आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स प्लेस इन ग्रुप 2। तो जो एनिमल पौधे खाते हैं उन्हें हर्बीवोर कहते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं, और जो पौधे भी खाते हैं और दूसरे एनिमल को भी खाते हैं उन्हें कार्निवोर कहते हैं। तो इन एनिमल्स के लिस्ट आपको तैयार करने हैं और बताना है कि वो क्या खाते हैं। एक्टिविटी 7। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट। और एक अलग बनाना है आपको टेबल जिसमें केवल उन एनिमल्स को लिखना है जो केवल पौधे खाते हों। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डोंट गेट सफिशियंट फूड। हम जानते हैं कि हम में से ऐसे बहुत हैं जिन्हें प्रचुर मात्रा में खाना नहीं मिलता। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर एंड मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस। हमें ऐसे रास्ते अख्तियार करने हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। दैट विल नॉट बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो हमें ऐसे रास्ते ढूंढने हैं जिससे हम सभी इंसान को भरपूर पेट भर खाना मिल सके। कीवर्ड्स इंग्रेडिएंट्स एडिबल नेक्टर। तो ये कुछ कीवर्ड है, इनके मतलब मैं आपको बताता चलूँ। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो भी खाना होता है उस वो किन किन चीज़ों से बना है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इडिबल इडिबल मतलब खाने योग्य, जो खाना खाने योग्य होता है उसे इडिबल कहते हैं। नेक्टर फ्लावर में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ जिसे मधुमक्खियाँ जो स्वीट जूस हैं जो रस हैं वो चूसती हैं। स्प्राउटेड सीड, जब हमने चने या फिर मूंग को पानी में डाला था तो वो जो अंकुरित हो गया तो वो जो चने की जो सीड थी वो अंकुरित हो गई, उसे ही हम स्प्राउटेड सीड कहते हैं। हर्बी भोर, जो प्लांट को खाते हैं वो हर्बी भोर कहलाते हैं। जो कार्निवोर, जो एनिमल को खाते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं, और जो सब कुछ खाते हैं वो ओमनीवोर कहलाते हैं। तो ये आपकी समरी है और ये रहा आपका एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच। और ये जो एक्सरसाइज समरी है वो क्या होगा आपके लिए होमवर्क, तो इसको नोट में अच्छी तरह से लिख लेना है। Okay.